बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3.2 के सवाल। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 के सवाल। उससे पहले हम समझते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। तो देखिए चतुर्भुजों के प्रकार, पहला है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? देखिए जैसे ये एक चतुर्भुज दिया है, देखो चार भुजाएं, 1 2 3 4, चार भुजाएं दिख रही हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि एक युग्म सम्मुख भुजाओं का कैसा है, समांतर है। समांतर मतलब जिनके बीच में अंतर हमेशा समान रहता है। ये भुजाएं कहीं भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, हमेशा इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह समान रहेगा। दूसरी भुजाओं का जो युग्म है वो कैसा है, देखिए आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होंगी, एक दूसरे से कट जाएंगी। तो एक युग्म ऐसा है सम्मुख भुजाओं का जो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। दूसरे चतुर्भुज देखिए, इसमें कौन सी भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, इसमें कौन सी भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं एक दूसरे की। तो इस प्रकार का चतुर्भुज जिसमें एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है क्या कहलाते हैं, समलंब। समझ आया? तो परिभाषा क्या बनी, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्लियर? अब हम अगला पढ़ेंगे पतंग। पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। किस प्रकार का है तो देखते हैं। पतंग उड़ाते हैं ना आप सब, तो ये आकृति कैसे क्या कहलाती है, पतंग। अब इसके क्या क्या गुणधर्म है या गुण है, देखिए पहला, पतंग में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये इसके विकर्ण खींचे, विकर्ण आप पढ़ चुके हो, चतुर्भुज के किन्हीं भी दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह विकर्ण कहलाता है। तो ये विकर्ण एक और ये विकर्ण दूसरा, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब होते हैं मतलब ये जो इनका कटान बिंदु है इस पर जो ये कोण बनेगा, ये कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, लंब है मतलब 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे। तो ये सारे कोण कौन से हैं, 90 डिग्री के। क्लियर हुआ? ये भी पतंग है, इसमें भी ये वाला कोण कौन से हैं, लंब, 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं जहाँ दो भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। ये पॉइंट समझने से पहले आप ये वाला पॉइंट समझिए, आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। अब देखिए आसन भुजाएं मतलब पास पास की भुजाएं, तो इसकी आसन भुजा ये और इन दोनों की लंबाई कैसी बता रखी है आपको, बराबर। दूसरी आसन भुजाओं का युग्म देखिए, ये दूसरी आसन भुजा का युग्म, तो इनकी भी लंबाई आपको कैसी दे रखी है, बराबर। क्लियर हुआ? ऐसे ही देखिए, ये आसन भुजा का एक युग्म, ये आसन भुजा का दूसरा युग्म, इन दोनों की लंबाई क्या होती है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब ये दो भिन्न लंबाई की भुजाएं, तो ये दोनों हो गई, ये दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ। तो इस पर जो कोण बना है ये वाला, ये भिन्न लंबाई की भुजाएं, ये जहाँ मिल रही है यहाँ पर जो कोण बना है ये वाला, तो ये दोनों सम्मुख कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो आपने पतंग की तीन प्रॉपर्टी क्या देखी या तीन गुणधर्म क्या देखे, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और दो आसन्न भुजाओं के युग्म आपस में बराबर होते हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और तीसरा पॉइंट क्या देखा कि भिन्न लंबाई की भुजाएं जहां मिलती है वहां पर बने दो सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो समझ में आया पतंगाकार आकृति या पतंग कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा। आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो देखिए सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। अब हमने समलंब में क्या पढ़ा था, एक युग्म समांतर होता है, और यहाँ हमने पढ़ रहे हैं दोनों युग्म समांतर होते हैं। कैसे, देखिए ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, सम्मुख भुजाएं ये एक दूसरे के समांतर होगी, ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि ये समांतर हैं। ये वाली भुजा इसकी सम्मुख भुजा ये, तो ये दोनों भी समांतर होंगी। तो क्या लिखा है, ए बी समांतर डी सी,
ए बी समांतर डी सी और ए डी, ए डी समांतर बी सी। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। दूसरा, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की, तो ये भुजा इसके सामने की भुजा ये बराबर होंगी, इसके सामने की भुजा ये, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो क्या लिखा है, ए बी बराबर डी सी, ये ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बराबर बी सी। क्लियर? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ए का सम्मुख कोण सी, डी का सम्मुख कोण बी, तो एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। क्लियर? और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या होगा, ए डी ओ वाला भाग किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर। ए ओ वाला भाग किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर। दो बराबर भागों में बांटते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को। तो क्या लिख सकते हैं, ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी। क्लियर हुआ ये दोनों भी? आगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न मतलब दो पास पास के कोण, इसके पास का कोण ये भी हो सकता है, इसके पास का कोण ये भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर संपूरक, मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। या इस डी का आसन्न कोण ए बी हो सकता है, तो डी प्लस ए बी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर हुई समांतर चतुर्भुज की चारों प्रॉपर्टीज? तो अब हम शुरू कर सकते हैं इसके उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण नंबर तीसरा क्या दिया है। देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये एक आकृति दी गई है और इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हल, अब समांतर चतुर्भुज के जो भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं उनको यूज में लेते हुए इसको आप हल करेंगे। क्या पढ़ा था, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये पी क्यू दिए 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू के बराबर क्या होगी, एस आर, इसलिए एस आर क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, तो सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और आपको क्या दिया है, आर क्यू बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये तो ये 7 हो गई, ये 12 है, तो ये वाली 12 हो गई। ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं। क्लियर? अब चारों भुजाएं पता है तो परिमाप कैसे निकालते हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो वो इस आकृति का क्या आ जाएगा, परिमाप। इसलिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करते हैं आप, उसकी सारी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ से शुरू किया, 12 प्लस अगली भुजा 7 प्लस 12 प्लस 7। क्लियर हुआ, सबकी लंबाइयों का योग कर दिया। तो करते हैं 7, 8, 9, 9 और 7, 16 और 2, 17, 18 हासिल आई, 1, 1, 2, 3, तो 38 सेंटीमीटर इसका परिमाप प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ प्रश्न? चलते हैं अगले उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। देखिए, आकृति 3.26 में BEST एक समांतर चतुर्भुज है। आपको दिया है ये समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, ये भी प्रॉपर्टी से होगा, आपको दिया है बी 100 डिग्री का, तो इसके सम्मुख कोण ये है एक्स, ये भी कितने का हो जाएगा, 100 का। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? तो लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स बराबर, या सिर्फ एक्स ही लिखेंगे, एंगल का तो नाम दिया गया है आपको, एक्स
तो क्या लिखेंगे, x बराबर 100 डिग्री। ये कैसे लिख दिया, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं। तो सम्मुख कोण प्रॉपर्टी या सम्मुख कोण गुणधर्म भी लिख सकते हैं, या समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर, आगे देखिए, ये 100 का हो गया, तो ये वाला y कितने का हो जाएगा, 100 का। ये कैसे हुआ समझिए, y बराबर 100 डिग्री। देखिए, आपने पढ़ चुके हैं सातवीं कक्षा में, दो समांतर रेखाएं, इन्हें कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ये कौन से कोण है, संगत कोण। इसके संगत कोण कौन सा है, ये वाला कोण। इसके संगत कोण देखिए, इस लाइन के नीचे की तरफ है तो इस लाइन के भी नीचे की तरफ, ये इसका संगत कोण है, इसका संगत कोण ये वाला। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। एक चीज़ और पढ़ चुके हैं आप, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा। आपने और पढ़ा है एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण ये वाला, Z आकृति जहाँ बनती है ये Z बन रहा है ना, तो ये कोण इसके बराबर। क्लियर, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो आपने जो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है वो भी आपको काम में लेनी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं y का मान, ये y और x क्या है, संगत कोण। और संगत क्यों है, क्योंकि ST, भुजा ST या रेखाखंड ST किसके समांतर है, EB के। क्लियर, और ये SE रेखा इसकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा। SE तिर्यक रेखा है, इसलिए x व y क्या हो जाएंगे, संगत कोण। x व y संगत कोण होंगे, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमने y क्या लिख दिया, 100। क्लियर, ये 100 हो गया, तो z का मान आप निकाल सकते हैं। y 100 हुआ तो z कितना हो जाएगा, 80। क्यों, क्योंकि ये एक रेखा पर बने कोण है, रेखिक युग्म। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए z बराबर 80 डिग्री। कैसे लिखा है आपने, रेखिक युग्म से। कैसे किया, ये समझ में आया, सम्मुख भुजाओं की प्रॉपर्टी से x निकल गया, x बराबर y संगत कोण है, और z निकाल लिया रेखिक युग्म से। क्लियर हुआ उदाहरण चौथा, तो करते हैं अगला उदाहरण पांचवा। देखिए पांचवे में क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज RING में M एंगल R बराबर 70 डिग्री दिया है। M एंगल R मतलब एंगल R का मान, मेजर ऑफ एंगल R 70 डिग्री दिया गया है। तो दूसरे सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं, इसके सारे कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो हल क्या करेंगे आप, ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। क्यों, सम्मुख कोण है, तो क्या लिख देंगे, M एंगल R बराबर M एंगल N बराबर 70 डिग्री, और लिख देंगे सम्मुख कोण। आगे देखिए, और हम क्या पढ़ चुके हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक मतलब इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, तथा एंगल I, M एंगल I प्लस M एंगल N बराबर 180 डिग्री, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक। क्लियर, इसलिए M एंगल I बराबर, इसका मान तो पता चल गया हमें, 70 बराबर 180 डिग्री, इसलिए M एंगल I बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 70 का पक्षांतरण किया तो प्राप्त हो गया 110 डिग्री, इसका मान एंगल I का मान आ गया 110 डिग्री। कैसे आया, इन दोनों को आसन्न कोण, आसन्न कोण
क्या होते हैं संपूरक, मतलब इन दोनों का योग आना चाहिए 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया 110, इसलिए एंगल जी बराबर कितना हो जाएगा 110। ये कैसे लिखा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्लियर। ये 110 आया तो इसके सामने का कोण एंगल जी भी कितना हो जाएगा 110। तो चारों कोणों के मान पता चल गए, ये दिया था इसके सम्मुख, ये पता चल गया, ये आसन्न कोण है इसका, ये पता चल गया, इसके बराबर जी। उदाहरण पांचवा क्लियर। अब चलते हैं अगला उदाहरण छठा। देखिए आकृति 3.31 में HELP एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। OE बराबर 4, OE ये आपको 4 दिए, PE से OE बराबर 4, HL कौन सी है, ये HL, PE से 5 अधिक है, तो पहले आपको PE तो निकालनी पड़ेगी, तो करते हैं हल। देखिए आपको दिया है OE बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी कितना होगा OP, इसलिए OP बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा, तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्लियर हुआ। ये 4 है तो ये भी 4, इसलिए ये पूरी लंबाई PE, इसलिए PE बराबर कितना हो गया 4+4 बराबर 8 सेंटीमीटर की प्राप्त हो गई, क्लियर हुआ। PE कैसे निकाली, अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न अनुसार क्या लिख सकते हो, प्रश्न अनुसार HL PE से कितनी अधिक है 5 अधिक है, तो HL कितनी हो जाएगी PE+5, ये समझ में आया, HL दिया है PE से 5 अधिक, तो PE में जोड़ दिया 5, तो PE का मान कितना निकला 8, 8+5 बराबर 13 सेंटीमीटर, तो इस HL का मान कितना गया 13 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको प्रश्न में पूछा क्या है, OH ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है, तो OH और क्या होगा OL बराबर होंगे, तो इसका आधा जो HL निकाला है, HL का आधा क्या हो जाएगा OH, क्लियर। तो आप क्या लिख सकते हैं, तथा OH प्लस OL बराबर HL, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है विकर्ण, क्या लिख देंगे यहाँ भी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, तो OH प्लस OL बराबर HL, OH हमको नहीं पता तो हमने इसको मान लिया X, ये X है तो ये भी क्या होगा X, तो X प्लस X बराबर HL कितना है 13, X और X कितने हो गए 2X बराबर 13, या x बराबर कितना हो गया, पक्षांतरण कर दिया 2 का, भाग में आ गया, तो कितना आ गया, देखिए कटेगा तो 6.5 सेंटीमीटर, तो OH का मान कितना आ गया 6.5, भाग दे देना 13 में 2 का भाग जाता नहीं है, आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6.5 सेंटीमीटर इस OH का मान जो हमको पूछा गया है। प्रश्न उदाहरण नंबर 6 समझ में आया, तो चलते हैं आगे प्रश्नावली 3.3। अब इसमें देखते हैं प्रश्न पहला, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको इनको पूरा करना है, देखिए कैसे, ए डी किसके बराबर होगा बी सी के बराबर, क्यों होगा, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर, क्लियर। दूसरा
कोण डी सी बी, कोण डी सी बी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के, कोण डी ए बी के। ये कैसे लिख दिया हमने? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तीसरा देखिए ओ सी, ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के। क्यों होगा? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर हुआ? ये वाला भाग ओ सी ओ ए के बराबर होगा। चौथा क्या दिया गया है? एम एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला भाग प्लस एम एंगल सी डी ए, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? कौन से कोण है ये? पास पास के, तो आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या लिख देंगे? आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्लियर हुआ? ये आसन्न कोण है, पास पास वाले कोण है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक, मतलब इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये प्रश्न नंबर पहला समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए क्या दिया गया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या क्या दिया है। इसका पहला भाग, इसमें आपको अज्ञात एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपको ज्ञात करना है। तो करते हैं, देखिए हल, देखिए क्या दिया गया है। बी कोण बी दिया है इसमें 100 डिग्री। इसके सम्मुख कोण क्या है? वाई। कितना हो जाएगा? 100। तो क्या लिख देंगे? चूंकि एंगल बी बराबर 100 इसलिए वाई बराबर 100। क्यों लिख दिया ये? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एंगल तथा एंगल जेड प्लस एंगल बी बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? आसन्न कोण है, ये दोनों पास पास के हैं, तो आप लिखेंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर बी का मान पता है तो रख दीजिए। बी का मान कितना है? 100 बराबर 180। तो 100 का आपने कर दिया पक्षांतरण, तो 180 माइनस 100 हो जाएगा और जेड का मान कितना आ जाएगा? इस जेड का मान आ गया 80। जब जेड 80 आ गया है तो एक्स कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सम्मुख कोण। इसलिए क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स बराबर हो जाएगा एंगल जेड बराबर 80। क्यों? तो लिखेंगे आप सम्मुख कोण। क्लियर हुआ? एक्स वाई जेड के मान निकल गए। ये 100 है तो इसके सामने वाई 100 हो जाएगा। ये 100 है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा 80। ये दोनों क्या हैं? आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये 80 निकला तो इसके सामने वाला कोण एक्स भी क्या आ जाएगा? 80। तो दूसरे का पहला समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरे का दूसरा भाग क्या दिया गया है? इसमें भी आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। कैसे करेंगे देखते हैं। ये 50 है, इसका नाम दे दो एम। तो एम बराबर हल करते हैं, चूंकि या नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। एंगल डी बराबर आपको दिया गया है 50 डिग्री, इसलिए एम बराबर कितना हो जाएगा? एम का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? ये कौन से कोण है? सम्मुख, एक दूसरे के सामने है, तो लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। क्लियर? आगे देखिए ये कितना आ गया? 50।
तो आप x निकाल सकते हैं, कैसे, एंगल x प्लस एंगल m, एंगल लिख रहे हैं तो यहाँ भी एंगल बना दीजिए, तो एंगल x प्लस एंगल m बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो लिखिए समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक, मतलब इनका योग होता है 180 डिग्री। अब m का मान तो हम निकाल चुके हैं, तो एंगल x का मान निकाल देंगे, कैसे, m की जगह आप क्या लिख देंगे, 50 बराबर 180, या एंगल x बराबर कितना आ जाएगा, 50 का पक्षांतरण हुआ 180 में से, माइनस किया 50, तो कितना बच गया, 130। तो x का मान आ गया 130। इसके सामने क्या दिया है, y, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, 130। इसलिए एंगल y बराबर 130 कैसे हो गया, सम्मुख कोण। एंगल z बराबर क्या हो जाएगा, तथा एंगल z बराबर 180 माइनस m, m का मान कितना है, 50 बराबर 130 डिग्री। ये क्यों हुआ, रैखिक युग्म है, कौन, m और z क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो अब हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया, x ज्ञात कर लिया, y ज्ञात कर लिया और z भी ज्ञात कर लिया, समझ में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरे के तीसरे पे, तीसरा भाग। देखिए क्या दिया गया है आपको, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है और एक्स वाई जेड पूछा गया है। तो देखिए ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, 90 डिग्री, यहाँ जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री या समकोण है, क्लियर। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 90 डिग्री का, ये कौन से कोण है, ये भी आप सातवीं क्लास में पढ़ चुके हैं, शीर्षाभिमुख कोण, कैसे, ये दो रेखाएं आपस में कट रही है तो कटान बिंदु पर आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो हल लिखते हैं, हल x बराबर 90 डिग्री कैसे हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, क्लियर, ये सब समझ में आया। आगे देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब अब नाम दे दीजिए, ओ ए बी सी डी, अब त्रिभुज बन गया ये ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो गया, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण योग गुणधर्म से 180 डिग्री, तो क्या लिख देंगे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, कैसे हुआ, तो कोण योग गुणधर्म, क्लियर। तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा, या y प्लस क्या हो गया, 120 बराबर 180, या y बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, तो ये y का मान भी कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, अब ये देखिए z पूछा है, अभी हमने आपको सिखाया है एकांतर कोण, तो देखिए ये दोनों कौन सी भुजाएं हैं, समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये z बन रहा है यहाँ पर, देखिए कौन सा z है, ये z बन गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर, क्यों, एकांतर कोण, तो क्या लिख देंगे, तथा एंगल z बराबर हो गया एंगल y, और एंगल y बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कौन सी रेखा, BA समांतर है CD के, एवं ये रेखा जो है वो तिर्यक रेखा हो गई, एवं BD तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल Y व एंगल Z एकांतर कोण होंगे,
एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये 60 डिग्री का होगा। क्या किया वापस से देख लो, x तो शीर्षाभिमुख कोण से हो गया 90 डिग्री का, ये त्रिभुज है तो 90 प्लस 30 प्लस y होना चाहिए 180, तो y का मान निकल गया, y और z हैं एकांतर कोण, तो ये z का मान भी y के बराबर 60 डिग्री हो गया। तो तीसरा भाग समझ में आया, चलते हैं अगले भाग फोर्थ। देखिए क्या दिया गया है, आपको एक्स वाई जेड पूछा है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ये 80 डिग्री है तो z कितना हो जाएगा, वापस देखिए ये समांतर भुजाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण, ठीक है। तो नाम दे दीजिए, ये ए बी सी और ये डी, तो हल करते हैं, क्या लिखेंगे, z बराबर 80 डिग्री, कैसे लिखा, संगत कोण, या बताइए ए बी पैरेलल किसके हैं, डी सी के, और सी बी क्या हो गई, तिर्यक रेखा, सी बी तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल बी बराबर जेड, एंगल बी व जेड कौन से कोण होंगे, बी व जेड संगत कोण हैं, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जेड का मान कितना आ गया, 80 डिग्री, क्लियर। अब आपको ज्ञात करना है x, तो देखिए तथा x प्लस 80 बराबर कितना होगा, 180, क्यों होगा, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो लिख देंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ये क्लियर हुआ। इसे हल करेंगे और x का मान निकालेंगे, देखिए या x बराबर 180 डिग्री, 80 प्लस का है, पक्षांतरण किया माइनस 80, या x बराबर हो गया 100 डिग्री, तो ये x का मान आ गया 100। अब आपको पूछा है y का मान, तो y का मान तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 80, क्यों, कौन सा कोण है, सम्मुख कोण, एवं y बराबर 80 डिग्री, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, क्लियर हुआ। एक्स वाई जेड, जेड संगत कोण है इसका, ये दोनों आसन्न कोण हैं, और वाई क्या हो गया इसका, सम्मुख कोण, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, क्लियर हुआ। तो करते हैं हल अगला प्रश्न, दूसरे का पांचवा भाग, देखिए क्या दिया गया है आपको, एक्स वाई जेड पूछा है, ये कोण 112 है तो वाई कितना हो जाएगा, 112। हल y बराबर 112 कैसे लिख दिया, सम्मुख कोण, ये क्लियर। अब देखिए ये त्रिभुज बन गया o a b c, तो o a b में त्रिभुज o a b में क्या हो जाएगा, 112 प्लस दूसरा कोण है 40, और तीसरा कोण नहीं पता है, x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ये किससे लिखा है, कोण योग गुणधर्म त्रिभुज में, तो लिख देंगे कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म से, क्लियर हो गया। आगे देखिए हल करते हैं, या x प्लस 112 और 40 कितने हो गए, 152 डिग्री, बराबर आ रहा है 180 डिग्री, पक्षांतरण करना पड़ेगा 152 का, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 152। देखिए या x बराबर 180 माइनस 152 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो बच गए 8, यहाँ हो गए 7 में से 5 गए तो बच गए 2, तो कितना आ गया x का मान, 28 डिग्री। अब x के बराबर होगा z, कैसे, तथा x बराबर z बराबर 28 डिग्री, ये कैसे लिखा, देखिए ए बी और ओ सी समांतर रेखाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में, बी ओ तिर्यक रेखा इनको काट रही है,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, एकांतर कोण जेड बन रहा है ना, ये देखिए ये बना जेड, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिख देंगे, एक्स बराबर जेड बराबर 28। क्यों, तो लिख सकते हैं आप एकांतर कोण। क्लियर हुआ सब कुछ, कैसे निकाला, एक्स कैसे निकाला, वाई कैसे निकाला और जेड कैसे निकाला, समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा देखिए। अब तीसरे में क्या दिया है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि क्या दिया है, एंगल बी एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री। तो एक बना के देखते हैं आप, ए बी सी डी। अब आपको क्या दिया, बी और डी, ये बी और डी इनका योग 180 डिग्री दिया है, परंतु ये दोनों तो एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इन दोनों का योग 180 दिया है, तो यदि ये 90-90 के हो गए तो ये बराबर भी हो जाएंगे और इनका योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर भी हो जाएगा। परंतु यदि ये हो गया 89 और ये हो गया 91, तब ये समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, हो भी सकते हैं, हो भी सकता है यदि, कब, एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो। यदि ऐसा नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं बना सकता, ठीक है। चलते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर 8, ये 8 और ये 8, ए डी ए डी बराबर 4 और बी सी बी सी का मान दिया है 4.4। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज बन गया, नहीं, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं समांतर भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये तो आपको बराबर दे दी हैं, परंतु ये 4 है तो ये 4 होनी चाहिए और दी है 4.4, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि AD इज नॉट इक्वल्स टू BC दिया गया है, जबकि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। क्लियर, आगे देखिए, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए 70 डिग्री दिया है और एंगल सी 65 डिग्री दिया है। तो ये क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ए के सम्मुख कोण है सी, तो ये दोनों तो क्या होने चाहिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 70 दिया है तो ये भी 70 होना चाहिए, पर दिया है 65, इसका मतलब नहीं हो सकता, तो समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी सम्मुख कोण होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं दिया गया है। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न, तीसरा, समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं, कैसे किया, तो आपको समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म याद रखने होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4, देखिए क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सी होगी, पतंग। क्यों, देखिए ये पतंग है, ये वाले दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं जहाँ पर भिन्न लंबाई की दोनों आसन्न भुजाएं मिलती है, वहाँ बने हुए कोण जो हैं सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पतंग आकृति में, ठीक है। और ये समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं है, जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए,
दोनों सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो पतंग ऐसी आकृति है जिसमें एक सम्मुख कोण युग्म बराबर होता है। तो क्या उत्तर आ जाएगा? पतंग। आपको पतंग बनानी होगी। क्लियर, समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।